Community Live, a platform to sharing your thoughts. नमस्कार दोस्तों, सिटी लाइव में आपका हार्दिक स्वागत है और आप इस समय देख रहे हैं आपकी बात हमारे साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी पूरा हमारा देश और पूरी दुनिया कोविड-19 की महामारी से जूझ रहा है, हम सब उससे लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और आने वाले दिनों में हमारी जीत निश्चित होगी। लेकिन इस जीत के बाद किस तरह का सीनियर रहेगा, चाहे वो आर्थिक स्थिति को देखते हुए, चाहे वो व्यवसाय को देखते हुए, चाहे वो अपनी जॉब को देखते हुए, हम इस आर्थिक मंदी से कैसे उभरेंगे और पब्लिक हेल्थ के बारे में हम क्या आने वाले समय में देखेंगे, किस तरह से हमको पूरा जो है एक तैयारी करनी पड़ेगी उसके लिए, और इन्हीं सभी बातों में चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं श्री टी देव जोशी जी, जो कि मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं। आप हमारे साथ हैं, साथ ही हमारे साथ हैं प्रतिम तंबोली जी, जो कि सीईओ हैं गीतांजलि हॉस्पिटल उदयपुर के। आप दोनों का हमारे कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले मैं जोशी जी आपके पास आना चाहूंगा। टी देव जोशी जी, आप हमें ये बताएं कि हम लगातार कोविड-19 से युद्ध लड़ रहे हैं और उसके बाद आने वाला कल आप किस तरह देखते हैं, क्योंकि आप मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं, किस तरह हमें एक मैनेजमेंट करना पड़ेगा, किस तरह हमें एक व्यवस्था तैयार करनी पड़ेगी जिससे कि हम, हमारी सरकार, हमारा देश और आप और हम जैसे लोग जो हैं एक अच्छे जीवन को जी सकें। इस प्रश्न के कई भाग बन जाते हैं, अगर इसको हम अच्छी तरह समझना चाहते हैं जी। पहला भाग तो ये बनता है इसका कि हमें ये समझना पड़ेगा कि कोविड-19 के प्रकोप से पहले हम हमारे हालात क्या थे, हमारा माइंडसेट क्या था और हम किस तरह से जीवन यापन कर रहे थे। एक बीच की फेज है, जो फेज अभी हम जिस फेज से गुजर रहे हैं, फेज ऑफ एक्सट्रीम अनसर्टेनिटी विच आई विल कॉल, और एक फेज इसके बाद आएगी जिसमें कि प्रॉब्ली जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे या जो इम्पैक्ट होगा या जिससे जो चीज़ें उभर कर निकल कर आएंगी, चाहे वो इकोनॉमी से रिलेटेड हो, पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, ग्लोबल जो सिनेरियो चेंज हुआ उससे रिलेटेड हो, या हमारी अपनी मानसिकता है जो इम्पैक्ट करेगी उन पर प्रभाव होगा। तो इसको तीन भाग में अलग अलग देखने की ज़रूरत है। अगर पहले हम देखें कोविड क्या थी, जनरली एवरीवेयर यू विल फाइंड एवरीवन वाज लॉस्ट इन द वर्ल्ड, एवरीवन जी, एक रेस थी, रेस लगी हुई है जी। आपको आवाज आ रही है? लगता है जोशी जी से हमारा जो कनेक्शन है वो टूट गया है। मैं प्रतिम तंबोली जी आपके पास आना चाहूंगा। प्रतिम जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल जी। प्रतिम जी के बारे में बता दूं, प्रतिम तंबोली जी आप सीईओ हैं गीतांजलि हॉस्पिटल उदयपुर के। प्रतिम जी, आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि अब कोविड-19 के बाद, क्योंकि लगातार हम सभी इससे युद्ध लड़ रहे हैं, पब्लिक हेल्थ को लेकर एक बहुत बड़ा मामला जो है, अब सारी चीजें जो है पब्लिक हेल्थ के ऊपर डिपेंड करेंगी। अगर आपका स्वास्थ्य सही है, अगर आप अच्छे से हेल्थ को सही रखते हैं, तो आप निश्चित रूप से आगे अपना एक सक्सेसफुल लाइफ जो है वो जी सकते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अब हमको क्या विशेष तरह की तैयारी करनी पड़ेगी और क्या हम पहले नहीं कर पाए कि अब हमको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये आपका बहुत ही अच्छा और दूरगामी सवाल है। फिलहाल अगर हम देखें कि जिस तरह पूरा विश्व इस समस्या से जूझ रहा है, अगर हम हमारे देश की बात करें तो जिस तरह हमारा थॉट प्रोसेस था हेल्थ को लेके, उसको बहुत बड़ा एक जर्क मिला है कि हम इल प्रिपेयर्ड हैं। हम एक ऐसा देश है जो कि डेवलपिंग कंट्री है, पब्लिक हेल्थ में हमारी समस्याएं अभी तक आम तौर पे मात्र कुछ वैक्सीनेशन से लेके, फैमिली हेल्थ प्रोग्राम्स को लेके या हम सफाई स्वच्छ अभियान को लेकर, इन्हीं प्रोग्राम्स को लेकर हम ज्यादातर बिजी रहे। लेकिन कोविड के बाद, जिसको हम कह सकते हैं पोस्ट कोविड एरा जो अब आया है, इसमें हम सबको दूरगामी स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेगी, स्ट्रैटेजीज फॉर फ्यूचर, जिसके अंदर
सारे जो हमारे चिकित्सा को प्रदान करने वाले संस्थान हैं, क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, लार्ज हॉस्पिटल्स हैं, इन्हें बुनियादी तौर पे प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा कैसे भी इस तरह के सिचुएशंस को लेके उनको हैंडल करने के लिए, प्रोएक्टिवली प्रिपेयर करके। और ये कि इन पब्लिक हेल्थ अगर हम देखें तो अब ये बेसिक हो गया है कि स्वच्छ अभियान अगर हम बोलें तो आई थिंक वो गिवन है कि जैसे विदेशों के अंदर या अगर हम देखें डेवलप्ड कंट्रीज में सफाई को लेकर जो ख्याल रखा गया वो अब हमेशा बेसिक हो जाएगा। अभी कुछ सरकारों ने, राज्य सरकारों ने जैसे अभी निकाला कि हमारे यहाँ स्पिट करने या थूकने के ऊपर भी पाबंदी लग गई है। जी अगर हम देखें पाबंदी जो हो गई है सेल्फ इम्पोज, हमारी डाइटरी हैबिट्स को लेके, जब वो नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन मील्स, वेगन मील्स को ज्यादा प्रोत्साहन मिला है, हमारी लाइफस्टाइल जी के अंदर ज्यादा समय परिवार के साथ बिताना मिला है, तो ये ओवरऑल अगर हम देखें मैसेस मैस लेवल पे बुनियादी चेंजेस आएंगे और ये सब जी बेहतर के लिए है। आई थिंक इसको हम कह सकते हैं कि हम रीबूट कर रहे हैं हमारी लाइफ को, जी जो जिस जगह पर है वहीं रहे, और वो रीबूट करके हम एक नई तरह की जिंदगी जिएंगे। और इसमें बिल्कुल गवर्नमेंट के लिए हमें ज्यादा ये नहीं कह सकता कि सब कुछ गवर्नमेंट डिपेंडेंट है, आई थिंक इट इज टू जी बी डेल्ट विद कम्युनिटी। हम पब्लिक को, बिल्कुल आम जनता को मिलकर ही इसे उजागर करके हमें इसे जीतना पड़ेगा। बिल्कुल प्रथम जी ने बहुत सही बात कही कि सिर्फ हम सरकार के भरोसे ही नहीं बैठे, हमें खुद को आगे आना होगा, खुद को कुछ ना कुछ अपने लिए, समाज के लिए, देश के लिए और यहां तक कि अपनी सरकार के लिए भी हमें आगे आकर काम करना पड़ेगा और एक नई सोच के साथ हमें आना पड़ेगा। टी देव जोशी जी हमसे वापस जुड़ गए हैं। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं जोशी जी? जी आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जो पूरा विश्व है, चाहे हम अमेरिका की बात करें, चाहे हम चाइना की बात करें, चाहे विश्व के किसी भी बड़े बड़े जो शक्तिशाली देश है उनकी बात करें, उसके बावजूद भारत कहीं ना कहीं हमको आज सुरक्षित लगता है कि उनके मुकाबले हम आज फिर भी काफी सुरक्षित हैं। तो इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? क्या आप भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति किसको आप मानते हैं कि जिसके कारण से हम आज भी कुछ बचे हुए हैं? See, there are three phases of this to deal with this particular pandemic. One जी was which was considered to be precautionary, then was prevention. So, जो precautionary थी, probably learnt lesson from China, from other countries when it got into spread. So, precautionary measures were taken well in time. और उसका सबसे बड़ा reason ये था. Hello, hello, can you hear me? तो जो प्रिकॉशनरी मेजर में सबसे पहले जो हमने हार्ड डिसीजन लिया है हमारी गवर्नमेंट ने कि लेट अस ट्राई टू लॉक डाउन, वी शुड नंबर वन फिल्टर आउट दोज पीपल जो बाहर से ट्रेवल करके आए हैं, उसको सेग्रीगेट करें और सेग्रीगेट करने के बाद उनको स्टॉप करें, ब्लॉक करें, सो दैट एटलीस्ट न्यू जो पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन आर स्टॉप्ड। और उस दूसरा हमारा ये रहा प्रिवेंशन का कि ये जो लोग आ चुके हैं इस पे किसी तरह से एक से दूसरे में संक्रमण ना जाए, सो दैट कम्युनिटी जो इन्फेक्शन होता है उसको रोका जाए। तो जिस तरह से प्रयास हो रहे हैं नेशनल लेवल पे हो रहे हैं, स्टेट और सेंटर और स्टेट मिलकर कर रहे हैं, इसमें कई लोगों का काफी योगदान है, उसने काफी प्रभावी इम्पैक्ट दिया। और इस पीरियड में हम लोगों ने वो सारी जो जरूरतें थी, चाहे वो हॉस्पिटल रिलेटेड हो, चाहे वो टेस्ट रिलेटेड हो, चाहे वो मेडिकल मैनेजमेंट रिलेटेड हो, वो करने में हम काफी हद तक अपने आप को तैयारी की हालत में जुटा पाए हैं। तो लगता ये है कि प्रोबेबली वी विल बी इन अ पोजिशन टू कंटेन दिस प्रॉब्लम, क्योंकि ये प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जो 1 महीने या 2 महीने की है, ये इट विल टेक लिटिल टाइम अंटिल द वैक्सीन इज मेड, तब तक मेरे ख्याल से ये पूरा प्रयास जारी ही रहना रखना पड़ेगा। और इसमें वो सारी जो प्रिकॉशंस जी हैं, जो सारी मैंडेटरी कंप्लाइंसेस हैं, वो देखनी पड़ेंगी, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि जितने जी हमारे प्रयास रहे हैं वो काफी फ्रक्टिफाई किए हैं निश्चित रूप से और काफी अच्छे रहे हैं। और इसमें हमारे जो जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो हेल्थ प्रोवाइडर्स हैं, उनका योगदान काफी अच्छा रहा।
पुलिस का भी काफी सहभाग बहुत अच्छा रहा। तो अब रही बात जो आपका एक जो प्रश्न था प्रतीम जी को कि इसके बाद इम्पैक्ट क्या होने वाला है, जब लॉकडाउन का हुआ है इसमें मुझे लगता है कि अभी इसको कहना जरा थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि हमने जो इससे पहले की सिचुएशन थी वी वर ऑल वेरी वेरी करियर ओरिएंटेड, वी वर इनटू द रेस, वी वर वेरी वेरी मनी ओरिएंटेड, वी वर ऑल थिंकिंग, चाहे वो बिजनेसमैन हो चाहे कुछ हो, हम लोग ये ग्रोथ की बात कर रहे थे, डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, प्रोग्रेशन की बात कर रहे थे, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, हम उन सब बड़े बड़े नेशंस को, कंट्रीज को जो काफी डेवलप करके एक उच्च स्तर पर पहुंचे हैं उनसे कम्पीट करने की सोच रहे थे, तो उन सब की रिक्वायरमेंट बिल्कुल अलग थी। वहां पर हमारे पास वक्त नहीं था कुछ सोचने के लिए, इमोशंस के लिए हमारे पास वक्त नहीं था और चीजों के लिए नहीं था। लेकिन इस लॉकडाउन की स्थिति में इसने हमें कुछ सोचने के लिए मजबूर तो किया है कि क्या हम सही कर रहे थे, क्या उतना जरूरी था जितना करना है, क्या टेक्नोलॉजी इज ऑल दैट इम्पोर्टेंट, क्या फैमिली इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या जिस तरह के स्पेंड हम कर रहे थे वो सही स्पेंड थे या जरूरी थे, गैर जरूरी थे, बेसिक नीड और बेसिक नीड प्लस को हमने समझना शुरू किया। इसके बाद हमने कुछ जिम्मेदारियों का भी हमको बोध होना शुरू हुआ कि मेरी जिम्मेदारी अपने प्रति भी कुछ है, मेरी जिम्मेदारी अपने स्पाउस के प्रति भी है, मेरी जिम्मेदारी बच्चों के प्रति भी है और अपनी फैमिली के प्रति भी है। तो ये जैसे जैसे चीजें सेटल होगी और अगर ये ज्यादा लंबी चली तो इसका जो आने वाला इम्पैक्ट है सोसाइटी को वो शायद कुछ बड़ा होगा, और अगर ये छोटे टाइम में अपना रिजॉल्व हो जाता है तो अभी ये कहना बहुत मुश्किल है टू व्हाट एक्सटेंट प्रॉब्ली हम लोगों में एक सोच में, थॉट प्रोसेस में चेंज आएगा। लेकिन यस, कहीं ना कहीं एक एक जगह जरूर बनेगी जहां पर कि हम ये सोचना शुरू करें कि क्या उतनी स्पीड जरूरी है जिस स्पीड पर हम भाग रहे थे, क्योंकि अभी और भी कई चीजें जो नेशनल लेवल पे सोची जा रही है, ग्लोबल लेवल पे सोची जा रही है कि नो टेक्नोलॉजी इज फाइन, फॉर्मल रिलेशनशिप इज फाइन, फॉर्मल इकोनॉमी इज फाइन, बट समवेयर वेलफेयर ओरिएंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप देखिए इस पूरी महामारी में सारा जो जो जितने बार जितना भी कार्य किया जा रहा है वो इस नियत से किया जा रहा है कि भलाई का काम किया जाए, वेलफेयर का काम किया जाए, वो लोग जो रोजमर्रा कमाने वाले लोग हैं उनको कैसे देखा जाए, उनको कैसे उनको भूखा नहीं रहने दिया जाए, उनकी जो बेसिक नीड है उसको कैसे पूरा किया जाए। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कई इस तरह के भी विचार आए हैं पॉलिटिकल स्तर से कि नहीं किसी की जॉब नहीं जानी चाहिए, अगर कोई इस टाइम पर काम नहीं कर पा रहा है तो उसको हमें वेजेस देने चाहिए, उसको सैलरी देनी चाहिए, उनकी कोई कटौती नहीं करनी चाहिए, किसी को नौकरी से निकालना नहीं चाहिए। तो ये सारी चीजें कई मिलकर इवन एम्प्लॉयर्स को, इवन बिजनेसमैन को, इवन इंडिविजुअल्स को ये फीलिंग तो दे रहा है कि हम इस सोसाइटी के बहुत इम्पोर्टेंट भाग हैं और ये सोसाइटी को हमको कुछ दूसरे नजरिए से देखने की जरूरत है, खाली पैसे की नियत से नहीं, खाली व्यापार की नियत से नहीं, खाली एक कोच को कहते हैं ना कि फॉर्मल वे में नहीं देखने की जरूरत है। दे आर ऑल ह्यूमन बीइंग एंड पार्ट ऑफ अ बिग फैमिली, दैट्स अ काइंड ऑफ अ थिंग। बिल्कुल निश्चित तौर जी, बिल्कुल निश्चित तौर से हम अभी तक जो चाहे कितने भी विकसित देश हों, चाहे कितने भी शक्तिशाली देश हों, हम अभी तक अर्थ और काम के पीछे दौड़ रहे थे। अब हमें हमारी वास्तविकता का अंदाजा हुआ है कि हमें हमारी परंपराओं का भी ख्याल रखना चाहिए, हमें अपने परिवार का भी ख्याल रखना चाहिए, हमें अपना भी ख्याल रखना चाहिए और हमें उन सब लोगों का ख्याल रखना चाहिए जो इस देश को, इस समाज को चलाते हैं। प्रतिम जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी प्रतिम जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी प्रतिम जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि लगातार जिस तरह हम पूरे दुनिया की बात कर रहे हैं इस समय कि दुनिया बड़े बड़े हथियारों के पीछे, दूसरे बड़े बड़े इकोनॉमी के पीछे दौड़ रहा था, लेकिन उसने मेडिकल की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया जितना कि देना चाहिए था। अब बड़ी बड़ी मिसाइलों की जगह एक छोटी सी गोली के लिए
पूरा विश्व जो है भारत से उस गोली की डिमांड कर रहा है। तो आप किस तरह देखते हैं, क्या हमको शुरू से ही जब आग लग जाती है उसके बाद हम कुआं खोदने का काम करते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि हमको मेडिकल और हेल्थ को लेकर पहले से पूरी तैयारी करनी चाहिए थी? लगता है उनसे हमारा कनेक्शन जो है सही नहीं हो पा रहा है, तो मैं टी देव जोशी जी आपके पास आना चाहूंगा। आप क्या मानते हैं कि क्या हमारी आंखें देरी से खुली हैं, हमको बड़े बड़े हथियारों की तरफ ध्यान नहीं देते, हमको एक छोटी सी गोली यानी कि मेडिकल की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए था? नहीं, ये कहना उतना उचित नहीं होगा। देखिए कि अगर आप देश की बात करते हैं, भारत, भारत के हर एक जैसे एक इंडिविजुअल का होता है, वैसे एक, एक, एक देश की भी अपनी प्रायोरिटीज होती है, रिसोर्सेज लिमिटेड है। सबसे पहले अब जैसे अगर आप प्रायोरिटीज लेकर चले, इससे इस सबसे पहले तो आप देखिए, सबसे पहले देश की प्रायोरिटी ये थी कि हम अपनी इकोनॉमी को कैसे ठीक करें, फार्मर्स की इश्यूज थी, दुनिया भर की आजू बाजू की नेबरहुड की हमारी बहुत सी समस्याएं चल रही थी जो पिछले 50-60 सालों से चल रही है, उसके ऊपर फोकस किया गया। गरीबों की भी बहुत सी बुनियादी समस्याएं थी जिनके ऊपर काम करने की जरूरत थी। तो अगर आप ये सब चीजें लेकर चल रहे हैं तो हर जगह काम हो रहा है। हेल्थ केयर का डेवलपमेंट मैं देखता हूँ, मैं हेल्थ केयर से जुड़ा रहा और मैंने देखा है कि एक टाइम पर आज से अगर 10 साल या 15 साल पीछे जाएं तो कुछ भी नहीं था, उसके बाद देखिए कितना कुछ इस पे प्राइवेट सेक्टर में आया है। गवर्नमेंट सेक्टर का जो एक स्टैंडर्ड है वो कॉम्पिटिशन होने की वजह से इम्प्रूव किया है, हेल्थ सर्विसेज इम्प्रूव हुई है, टेक्नोलॉजी पे कहाँ से कहाँ चेंज आ गया है। मैनी थिंग्स पीपल आर नाउ स्टार्टेड लुकिंग टुवर्ड्स इंडिया फॉर इवन ट्रीटमेंट, दिस इज हाउ द मेडिकल टूरिज्म हैज कम इन। तो ये कहना उतना उचित नहीं होगा कि हम सक्षम नहीं है, हमने ध्यान नहीं दिया। सब चीजें बिल्कुल सही हो रही थी और सही दिशा में काम हो रहा था, लेकिन ये है महामारी, किसी ने सोचा नहीं था इसके बारे में। अब आप देखिए भारत को तो एक तरफ छोड़ दीजिए, चाइना को कितना वक्त लगा, अमेरिका को कितना वक्त लगा, और बड़ी सक्षम कंट्रीज जहां पर इटली को देख लीजिए, स्पेन को ले लीजिए, जहां का मेडिकल सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम काफी अच्छा माना जाता है, बेस्ट माना जाता है, वहां के आप देखिए आंकड़े क्या आ रहे हैं। तो ये कहना उतना उचित नहीं है, लेकिन यस, जब आपदा आती है तो आपदा में 4-5 चीजें बहुत जरूरी है। क्या हमारे पास, क्या कोई उसके लिए प्लान बना के रखा है हमने, क्या हमारे पास सक्षमता है वो, और वो स्पिरिट जो हमको अब देखने को मिली है कि पूरे देश को एक साथ यूनाइट कर दिया गया, सब लोग एक एक साथ खड़े हो गए, चाहे वो हमारे जैसे कॉमन लोग हो, चाहे गरीब लोग हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम हो, सब लोग आज एक साथ खड़े हुए हैं इस आपदा को डील करने में। और ये भी देख रहे हैं कि अगर आप देखिए कि पहले प्रधानमंत्री जी का कहना यह था लाइफ इज इम्पोर्टेंट देन लाइवलीहुड, अब उन्हें ये भी नजर आया कि लाइफ के साथ में लाइवलीहुड भी इम्पोर्टेंट है। तो मेरे ख्याल से जितना कुछ किया जा रहा है वो इन द सर्कमस्टांसेस बहुत अच्छी तरह से किया जा रहा है, वट एवर रिसोर्सेज आर अवेलेबल उसका बेस्ट यूज किया जा रहा है। तो उसको जरा मेरे ख्याल से ये कह देना कि उतना उचित नहीं है, थोड़ा सा गलत हो जाएगा। प्रतिम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रतिम जी आपको मेरी आवाज आ रही है? प्रतिम जी की आवाज, मैं मेरे जो तकनीकी टीम है उनको कहना चाहूंगा, प्रतिम जी की आवाज मुझ तक नहीं आ पा रही है। प्रतिम जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्रतिम जी की आवाज नहीं आ पा रही है। टी देव जी मैं आपसे यहां पर ये जानना चाहूंगा कि हम स्वच्छता की बात सालों से करते आ रहे हैं, चाहे महात्मा गांधी का समय हो, चाहे वर्तमान में हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, या बहुत से प्रधानमंत्री आए जिन्होंने स्वच्छता को लेकर अभियान भी चलाए, लेकिन उसके बावजूद भी आम जनता जो है वो स्वच्छता नहीं रख पाती है जितना कि रखना चाहिए। तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे, हमारे देश की जनता को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जान है तो जहान है और जान रहेगी तो हम सब रहेंगे, और स्वच्छता इतनी आवश्यक है। आज देखिए हम दूर से ही प्रणाम कर रहे हैं, एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखे हुए हैं, हम साफ सफाई का पूरा ख्याल रख रहे हैं, तो क्या हमको हमेशा इसी तरह नहीं रहना चाहिए? नहीं, बात की बात बिल्कुल सही है। स्वच्छता बहुत ही
इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ स्टाइल के लिए, हमारी लाइफ के लिए भी। अगर आप जी देखिए पुरानी सभ्यता में अगर आप जाकर देखेंगे तो हमारे पुरातन काल में जितना लिटरेचर मिलता है वहां पर जितनी भी बातें स्वच्छता से रिलेटेड हैं, वहां तो जी तन की स्वच्छता के साथ साथ में मन की स्वच्छता के ऊपर भी बात की गई है। लेकिन ये बिल्कुल कहीं पर गुम हो गई है, कहाँ पर क्या हुआ, कितनी चेंजेस आए हैं इतने टाइम में आते आते, समवेयर इट हैज गॉट लॉस्ट। तो मेरे ख्याल से अगेन उसका उसका पुनर्दोहराव हुआ है। अब देखिए तो शौचालय बनने शुरू हो गए, टॉयलेट्स बनने शुरू हो गए, उनकी क्लीनलीनेस के स्टैंडर्ड्स बने हैं और कई लोगों में जागरूकता भी आई है सफाई के प्रति। और इस महामारी से सबसे बड़ी जो उपलब्धि हमको मिलेगी वो जो हमको हाइजीन की तरफ जो हमारी हमको इसकी इम्पोर्टेंस पता चली है, वो मेरे ख्याल एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। बच्चों तक में आप देखिए कि हाथ निश्चित धोना रूप से है, साफ देना है, घर के अंदर किसी भी तरह की कोई चीज ऐसी ना हो जिससे कोई संक्रमण हो, चाहे बैक्टीरिया हो जो वायरस हो। तो द क्लीनलीनेस का जो स्टैंडर्ड एक 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 जो एनलाइटनमेंट हुआ है, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बिग अचीवमेंट और टेक अवे है फ्रॉम दिस। और ये लॉन्ग वे में जाएगा, ये इतनी जल्दी निश्चित नहीं रूप आएगा। बिल्कुल बिल्कुल खाने पीने में क्योंकि हम बाहर जाते हैं, बिल्कुल अब वी नेवर बॉदर्ड, लेकिन अभी हम लोग को जी सोचना जोशी पड़ेगा जी कि बिल्कुल जी बिल्कुल जोशी जी, मेरा एक सवाल और आपसे यहाँ पर है, क्योंकि अब आने वाले कई सालों तक हमारा जी जीवन यापन जो है पिछले वर्षों की बदौलत परिवर्तित हो जाएगा, तो ऐसे परिवर्तित जीवन में हमको विशेष रूप से किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हमें व्यवसाय भी करना है, हमें नौकरी भी करनी होती है और हमें परिवार भी चलाना होता है, तो क्या आप मानते हैं कि अब धीरे धीरे इनमें काफी सुधार हो पाएगा या इसके लिए और आगे हमें समय लगेगा? देखिए, मुझे लग रहा है कि हम लोग अभी कुछ कंडीशन हो चुके हैं, क्योंकि जो हम लोग जो पीपल अबव जी 60 ईयर्स उनको अगर आप छोड़ दें तो जो मिलेनिया के जितने भी लोग हैं वो कंडीशन हो चुके हैं। दे आर ऑब्सेस्ड विद टेक्नोलॉजी, दे आर ऑब्सेस्ड विद न्यू थिंग्स, दे हैव सीन, दे हैव सी ऑब्सेस्ड विद न्यू कल्चर। उसमें ये कुछ संशोधन तो जी लाएंगे, जैसे हाइजीन की तरफ आ गया, कुछ और चीजें आई, कुछ इमोशंस भी बिल्टअप होंगे, कुछ ये अहमियत भी आएगी जहां पर पारिवारिक रिलेशन की कुछ ये कुछ 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 उनको फीलिंग आएगी। लेकिन ये कुछ देर के बाद मुझे लगता है कि रेस में फिर आ जाएंगे, उसी तरह से फिर आ जाएंगे, क्योंकि जी वो कंडीशनिंग इतनी जल्दी न्यूट्रलाइज नहीं हो पाएगी। वो इम्पैक्ट कुछ कुछ मेरे ख्याल से थोड़े चेंजेस के साथ में उसी रफ्तार में आ जाएगा। यस, इतनी जल्दी चेंज होने वाला नहीं, क्योंकि आज नहीं तो कल 6 महीने में, 8 महीने में, साल भर में ये इसके ऊपर विजय तो प्राप्त की जाएगी। एंड अगेन द लाइफ विल बी अगेन एज नॉर्मल एज एनीथिंग निश्चित एल्स, बिकॉज इकोनॉमी जैसे ही आपकी उठने लगेगी अगेन वो रेस शुरू हो जाएगी, वही कॉम्पिटिशन शुरू हो जाएगा, वही आप ग्लोबलाइजेशन की तरफ चलने लगेंगे। यस, मैनी रिलेशनशिप विल गेट रीडिफाइंड, वो उसमें चेंजेस जी जरूर आएंगे, लेकिन इतना बड़ा चेंज मुझे लगता है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन भी बहुत है, इतना बड़ा चेंज होने वाला नहीं है। और पर्टिकुलरली आप देखें मिडिल इनकम ग्रुप जो है वो हायर मिडिल इनकम ग्रुप में आया है, जो पॉवर्टी में वो पॉवर्टी लाइन से उठकर आया है। तो अगर मैस्लो की थ्योरी में आप जाते हैं तो बेसिक नीड्स से उठकर फिर और नीड्स शुरू हो जाती हैं, सोशल नीड शुरू होगी, सेल्फ स्टीम की नीड शुरू होगी, जी और ये सारी नीड्स जो है वो एक अपनी तरफ अपनी इंपॉर्टेंस की तरफ उसको अचीव करना चाहेगी, जिसमें अगेन वो ई विल सफर द जी सेम निश्चित तौर थिंग, से वो रेस वैसे ही रहेगी। मुझे लगता नहीं कि इतना ज्यादा चेंज आने वाला, लेकिन कुछ चेंज जरूर आएगा, और अगर ये जी लंबा चला तो जी जी निश्चित रूप उतना से इम्पैक्टफुल होगा ये। जी प्रतिम जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है, कैन यू हियर जी मी? प्रथम जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। मेरा सवाल आपसे ये है कि अब क्योंकि आने वाले दिनों में पूरा हम जो है पब्लिक हेल्थ को, स्वास्थ्य को लेकर हमको विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए। हमारे देश में भी इतने हॉस्पिटल्स हैं, चाहे हम सरकारी हॉस्पिटल की बात करें, चाहे हम निजी अस्पतालों की बात करें, लगातार हॉस्पिटल जो है बढ़ रहे हैं, और उसके बावजूद जो आम जनता है वो पूरी तरह से अपना खुद का ही ख्याल नहीं रखती है। तो आप क्योंकि इतने बड़े ग्रुप से जुड़े हुए हैं, गीतांजलि हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे पब्लिक हेल्थ के बारे में? सर्वप्रथम तो ये कि
जो ये अभी करंट वायरल सिचुएशन है, ये वायरस है, ये मैन मेड वायरस कहा गया है। सो हमें नेचर के साथ खिलवाड़ ना करें। सबसे पहले हर एक व्यक्ति को विश्व भर में जो सबक लेना है वो ये कि चाहे वो साइंटिस्ट हैं, चाहे रिसर्चर्स हैं, चाहे आम आदमी हैं, चाहे पॉलिटिशियंस हैं, या ग्लोबल सिटीजन्स को देखना है कि डू नॉट प्ले विद द नेचर, डू नॉट डू समथिंग कि इतना बड़ा डिजास्टर खड़ा हो जाए। अभी जो संख्या है जो कि संक्रमित हैं या जिन जिनकी मौतें हुई हैं, वो इतना डायनेमिक नंबर है कि हर दिन वो ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। सो पब्लिक हेल्थ को मद्देनजर रखते हुए हमें जो लाइफस्टाइल चेंज होनी है वो ये कि जो भी रिसर्च हम करें डिस्ट्रक्टिव ना करें, ऐसी कंस्ट्रक्टिव स्टडीज करें जहां पर कि मानव जाति का, ह्यूमैनिटी का भला हो। जी ये इस तरह के जो कार्य किसी भी देश या सरकार या सरकारों द्वारा किए गए, इससे विश्व रूपी जो विनाश हुआ है वो बहुत ही चिंतनीय है। बिल्कुल प्रतिम जी, दूसरा एक ये कि सवाल। जो हमारी जी रिसर्च है वो जी जी दूसरी बताएं सर, रिसर्च बताएं। होनी चाहिए जो प्रिकॉशनरी होनी चाहिए, प्रोएक्टिवली हम प्रिवेंशन की तरफ बात करते हैं, कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आई वुड से कि उससे भी बढ़कर अब हो गया है कि बी प्रिकॉशन, अगर हम कोई रखता है, प्रिकॉशन जी इज फार बेटर देन इवन गेटिंग प्रिवेंशन। सो ये हमारी मानसिकता बदलनी चाहिए रोगों के जी प्रति, अपनी जिंदगी लगता है प्रतिम जी से हमारा कनेक्शन वापस कट गया है। तो ये हम कहना चाहेंगे, जैसा कि हमारी टी देव जोशी जी से बात हुई, हमारी प्रतिम जी से बात हुई, हमें अपनी वापस परंपराओं की ओर जाना पड़ेगा, हमें स्वच्छता का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा, हमें हेल्थ को लेकर पूरा हमें तैयार रहना पड़ेगा, और किसी भी तरह की जो चूक है वो हमसे नहीं होनी चाहिए। और देव जोशी जी, आप और प्रतिम जी, आप हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू, शुक्रिया। सिटी लाइव, अ प्लेटफॉर्म टू शेयरिंग योर थॉट्स।